नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले 4 वीडियो से पद परिचय नामक एक प्रकरण पढ़ रहे हैं और मैंने कहा था पद परिचय प्रकरण के लिए हमें व्याकरणिक जो प्रकरण है, जो प्रकरण है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द और उसके अलावा लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो प्रकरण है वो पद परिचय के लिए आवश्यक है। तो हमने पिछले 4 वीडियो के अंतर्गत पद परिचय से संबंधित जो प्रकरण आ रहे थे उनमें अपने बातचीत की। आज के वीडियो के अंतर्गत आज से अपन जो आज का वीडियो होगा उसमें पद परिचय के व्याकरणिक रूप को अपन जानेंगे कि किस शब्द के अंदर क्या क्या पद परिचय में बातचीत होनी चाहिए। तो पद परिचय के अंतर्गत आज अपन एक एक प्रकरण को लेते हैं और उनके उदाहरणों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अपन संज्ञा शब्दों से। जो संज्ञा शब्द होते हैं या संज्ञा पद होते हैं उनका पद परिचय कैसे किया जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें बतलानी होती है। आपको संज्ञा पद का पद परिचय देना है तो उसमें व्याकरणिक दृष्टि से 5 बातें समझानी होगी। कौन कौन सी? संज्ञा का प्रकार, 5 भेद हमने पढ़े थे, उनमें से कौन सा भेद आ रहा है? वचन, 2 पढ़े थे, एक वचन और बहुवचन, दोनों में से कौन सा है? लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। कारक, 8 कारक हमने पढ़े, उनमें से कौन सा आ रहा है? और उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध, यानी क्रिया के साथ क्या संबंध है, ये 5 बातें इसके अंतर्गत बताई जाती है। देखिए उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण ले रहे अपन, चंद्रभूषण बाग में आम खा रहा है। चंद्रभूषण किसी व्यक्ति का नाम है, बाग बगीचा और आम, यहाँ पे देखो 3 जो है संज्ञा शब्द। सबसे पहले क्या है? चंद्रभूषण, बताए चंद्रभूषण किसी व्यक्ति का नाम है और जहाँ संज्ञा के अंदर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध होता है वहां पे कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर किसकी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर वचन लिखना था, चंद्रभूषण एक व्यक्ति है, वचन कौन सा हो गया? एक वचन। लिंग कौन सा होगा? चंद्रभूषण। पुल्लिंग, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अब देखो आम खाने खा रहा है, खाने की क्रिया कौन कर रहा है? चंद्रभूषण, यानी क्रिया करने वाला कर्ता, तो कारक कौन सा हो गया? कर्ता कारण हो गया। क्रिया के साथ संबंध बताओ, खा रहा है क्रिया का ये क्या है? कर्ता है, खा रहा है क्रिया का कर्ता है। तो देखिए 5 बातें हमने इसके अंतर्गत बताई। क्या क्या? संज्ञा का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन एक व्यक्ति का नाम दे रखा है, पुरुष है पुल्लिंग है, कर्ता दे रखा है इसलिए कर्ता कारक है, और खारा क्रिया का ये क्या है? कर्ता है। दूसरा शब्द कौन सा है? बाग में, बाग यानी बगीचा, और बगीचा एक जातिवाचक संज्ञा है, कोई भी बाग हो सकता है, ठीक है ना? अगर बाग का नाम होता तो व्यक्तिवाचक, परंतु बाग का कोई भी बगीचा है जातिवाचक संज्ञा। एक ही बाग है, बागो शब्द है ही नहीं, एक ही बाग एक वचन, और बाग शब्द हमेशा बच्चे बाग में खेलते हैं, बाग शब्द हमेशा क्या है? पुल्लिंग है। मैं कौन सा कारक है? अधिकरण में पे पर, तो अधिकरण कारक रहेगा, विभक्ति चिन्हों की जानकारी होनी, और ये खारा क्रिया का क्या है? आधार, आधार यानी कि अधिकरण में क्या होता है? क्रिया होने का आधार बताया जाता है, तो ये खारा क्रिया का क्या दे रखा है? आधार, यानी कि क्रिया कहां पे हो रही है? बाग में, ये उसका क्या दे रखा है? आधार दे रखा है। तीसरा शब्द आम, अब आम कहते ही एक फल का नाम है और आम का नाम दिया होता, ठीक है ना, तो वह हो जाती व्यक्तिवाचक, परंतु आम शब्द है कोई भी किस्म का आम हो सकता है, तो ये होगी जातिवाचक संज्ञा। आम शब्द है एक वचन है, पुल्लिंग है, कौन सा है? पुल्लिंग है, और क्या खाया? आम खा रहा है। क्या से प्रश्न बन रहा है? कर्म कारक है, कर्म दे रखा, क्या और किसको से बात करें? अब यहां पर आपको कारक लिखना है, तो क्या खा रहा है? चंद्रभूषण बाग में क्या खा रहा है? आम खा रहा है, यानी क्या से प्रश्न बन रहा है? कर्म दिया हुआ है, कर्म कारक रहेगा। देखो कर्म में को विभक्ति चिन्ह आ रहा है, फिर भी कर्म आम के साथ नहीं है, यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह क्या है? साइलेंट, ठीक है ना, छिपा हुआ है, परंतु कारक कौन सा है यहाँ पर? कर्म कारक। बताइए क्रिया के साथ संबंध, ये खा रहा क्रिया क्या क्या दे रखा है?
कर्म दे रखा। तो इस प्रकार पांच बातें इसके अंतर्गत बताने होती, किसमें, जो संज्ञा पद संबंधी पद परिचय है उसमें। और देखिए उदाहरण, दूसरा शब्द है, वाक्य है, बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं। दो शब्द, एक तो बचपन, एक दिन, ये दोनों ही संज्ञा शब्द है। और आपके पास निश्चिंत रहे, संज्ञा शब्दों के नीचे क्या आएगा, जो भी शब्द जिसका पद परिचय पूछना है उसके नीचे अधोरेखा आएगी, अंडरलाइन क्यू आएगी, उसी के अपन को पद परिचय बस मालूम करना है कि वो क्या है। जैसे बचपन शब्द है तो बचपन क्या है, बच्चे का भाव बचपन है, और भाववाचक संज्ञा है तो बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा रहेगी। एक वचन है, बचपन शब्द हमेशा एक वचन में रहता है, बचपन शब्द हमेशा पुल्लिंग रहता है। और बचपन के दिन, देखो के आए साथ में, संबंध का के की, बताइए कौन सा कारक रहेगा, संबंध कारक रहेगा। और दिन संज्ञा से संबंध बता रहे, बचपन के दिन है तो संबंध किसके साथ बताया जा रहा है, दिन संज्ञा से ये संबंध बताया। तो ये इसकी पांच बातें कहना। दूसरा सब दिन, अब कोई भी दिन हो सकता है, सोमवार मंगलवार ऐसा लिखा होता है तो व्यक्तिवाचक, परंतु दिन का तो सप्ते में से कोई भी दिन हो सकता है, तो दिन शब्द वो जातिवाचक संज्ञा है। और दिन बहुवचन शब्द है, बचपन के दिन सर, तो यहाँ पर दिन हो गया, वो किसके अनुसार है, कौन से वचन के अनुसार है, बहुवचन के अनुसार। दिन शब्द वो हमेशा क्या रहता है, पुल्लिंग। कारक कौन सा है, कर्ता कारक है। दिन शब्द है ना, बचपन के दिनों की बात की जा रही है, और दिन हमेशा ठीक है ना, कारक में पूछे तो कर्ता कारक, और ये क्या है, होते हैं क्रिया का क्या है, कर्ता। दिन कितने अच्छे होते हैं, देखो बचपन तो भाव का संज्ञा थी, परंतु यहाँ जो कारक दे रखा वो कौन सा है, कर्ता कारक। और भूतकाल का वाक्य है, ठीक है ना, होते हैं, देखो यहाँ सॉरी भूतकाल को भी नहीं लेना है, इन्होंने कहा बचपन के दिन अच्छे होते हैं, और हमेशा भूतकाल में तो कर्ता के साथ क्या आता है, नए लिखे हुए होता है, परंतु वर्तमान और भविष्य के साथ कर्ता के साथ नए लिखा हुआ नहीं आता है, फिर भी वहां पर कर्ता कारक रहता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक रहेगा, कर्ता कारक रहेगा। और क्रिया का, कौन सी क्रिया का, होते हैं क्रिया का क्या है, ये कर्ता। तो इस प्रकार संज्ञा संबंधी ये अपन को बातें लिखनी होती, तो संज्ञा संबंधी पांच बातों की हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है सर्वनाम पदों का पद परिचय। परिभाषा देखो यहाँ कुछ जरूरी, मैंने कहा आपको उनको भेदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए भी निम्न बातें अपन को, पांच बातें जानकारी रखनी है पद परिचय के लिए। सर्वनाम का प्रकार, छह प्रकार पढ़े थे हमने, वचन, लिंग, कारक और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, वो सारी बातें जिस प्रकार अपन किस में बताते हैं, संज्ञा में बताते हैं। बस क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है, तो वहां संज्ञा का प्रकार था, यहाँ सर्वनाम का, बाकी चार बातें वो की वो इसमें भी समझानी होगी। जैसे देखिए उदाहरण लेते हैं, मैं राम के साथ उसके घर गया। अब देखो मैं है ना, राम शब्द है ना, कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी, परंतु जो मैं शब्द दे रखा है किसी नाम के स्थान पर, ठीक है ना, कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और मैं हमेशा बोलने वाला, मैं अपने लिए ले रहा हूँ, और तो इसमें बताइए कौन सा है, जो व्यक्ति खुद जो बोलने वाला है, वक्ता है, उसके लिए कौन सा सर्वनाम होता है, उत्तम पुरुष होता है। पुरुषवाचक में भी कौन सा होता है, उसके लिए उत्तम पुरुष रहता है। मैं अकेला हूँ, एक वचन, देखो घर गया ऐसा होता ना, घर गई तो स्त्रीलिंग शब्द, घर गया पुल्लिंग, और मैं कौन है, कर्ता का, ठीक है, और क्रिया के साथ गया, क्रिया का ये क्या बनता है, कर्ता कहलाता है। तो इसमें भी पांच आपको बातें बतानी। दूसरा शब्द उसके, ठीक है ना, यानी उसके यानी तीसरे व्यक्ति की बात, मैं राम के साथ उसके घर गया, ना मेरी बात करो ना राम की, उसके यानी तीसरे व्यक्ति, बताइए तीसरे व्यक्ति में पुरुषवाचक में कौन सा होगा, अन्य पुरुष होगा, कौन सा होगा, अन्य पुरुष, ठीक है, उसके घर गया एक की बात करें, एक वचन पुल्लिंग, और उसके का के की कौन सा कारक रहेगा, संबंध कारक, और घर संज्ञा से इसका संबंध किसके साथ बताया जा रहा है, घर, उसका और उसके घर से क्या बताया जा रहा है, संबंध, तो घर जो संज्ञा है उससे यह संबंध बता रहा है। ये पांच बातें इसके अंतर्गत बताएंगे। तो विद्यार्थियों संज्ञा और सर्वनाम संबंधी पद परिचय पूछे तो पांच बातों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, कौन सी, संज्ञा या सर्वनाम का प्रकार, वचन, लिंग, कारक और क्रिया के साथ संबंध, ये बातें इसके अंतर्गत बताई जाती है।
और उदाहरण देखिए, वे कहते हैं कि कोई आ रहा है। अब वे देखिए, ठीक है ना, वे में ना तो मैं कह रहा हूँ ना तुम कह रहे हो, वे यानी कोई तीसरा। अब बताइए तीसरे व्यक्ति की बात की जाए, पुरुषवाचक सर्वनाम में करते हैं और पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुष में। वह कहते हैं तो एक वचन था, यहाँ वे शब्द है, वे शब्द किस में आएगा, बहुवचन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। वे कहते हैं, ठीक है ना, पुल्लिंग शब्द है, कारक कर्ता कारक रहेगा वे, ठीक है ना, और कहते हैं क्रिया का ये क्या है, कर्ता है। कौन सी क्रिया का, कहते हैं। देखो यहाँ दो क्रिया है, एक तो वे कहते हैं कहना और एक आ रहा है, दो क्रिया। परंतु तो ये जो वे शब्द है वो कौन सी क्रिया का है, कहते क्रिया, कोई क्रिया का, जो कोई शब्द है वो आ रहा क्रिया का कर्ता। अब दूसरा शब्द कौन सा है, कोई कोई अनिश्चित है, कोई आ रहा, कौन आ रहा बताए, निश्चित है क्या, नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई एक वचन शब्द है, हमेशा पुल्लिंग में रहता है, या कोई आ रही है ऐसा कहता तो स्त्रीलिंग हो जाता, आ रहा है यानी पुल्लिंग है। अब कोई शब्द भी क्या करता, देखिए यहाँ कहने क्रिया का करता था वे, परंतु आ रहा है क्रिया का करता क्या है, कोई, तो कोई यहाँ पर क्या है, कर्ता का है, और आ रहा है क्रिया का ये क्या बता रहा है, कर्ता। तो यहाँ दो कर्ता देव, वे भी करता है, कोई भी करता है। तो इस प्रकार सर्वनाम जो के पद परिचय होते हैं उसमें भी ये पांच बातें बतानी होती है। आगे बात करते हैं और विशेषण पदों का पद परिचय। विशेषण बात की थी, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। उदाहरण देखिए, ठीक है ना, इसके लिए पद परिचय हेतु चार बातें ध्यान रखनी है। विशेषण का प्रकार पांच प्रकार पड़े, उनमें से वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, किन की विशेषता बता रहे, वो भी। तो इसमें चार बातें अपन को बतानी होती, कौन कौन सी देखिए, ठीक है, उदाहरण देखिए, श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर तीन विशेषण शब्द है, देखो पुरुष की विशेषता क्या है, श्रेष्ठ, बातों की इन, और ध्यान का कम, ये तीन शब्द दे रखा, और तीन विशेषण शब्द। अब इन संबंधित चार बातें लिखी है, पहले श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या, पुरुष का गुण बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, ठीक है ना। श्रेष्ठ देखो ध्यान देते हैं, श्रेष्ठ पुरुष देते हैं यानी बहुवचन है, बहुवचन पुरुषों की बात है, पुल्लिंग है। विशेष्य क्या बताइए, किसकी विशेषता बताई जा रही, पुरुष, तो इसका विशेष्य क्या हो गया, पुरुष। चार बात। अब इन देखो, इन क्या, इन बातों संकेत कर रहे हैं, और जिन विशेषण में संकेत किया जाए, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। बातों शब्द बहुवचन है, बहुवचन, और बात शब्द हमेशा किसके अंतर्गत आती है, स्त्रीलिंग के। बताइए ये इन जो विशेषण आया है वो किसकी विशेषता बता रहा है, बातों शब्द की, तो ये बातों इसका विशेष, बातों शब्द क्या है, विशेष। तीसरा शब्द कौन सा है, कम, है ना, कितना ध्यान देते हैं, कम, जहां मात्रा की बात करें, परिमाण की बात करें, नाप तोल की, परिमाण वाचक विशेषण होता है। एक वचन है, कम शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, और विशेष्य क्या इसका, किसकी विशेषता बता रहा, ध्यान शब्द की, तो ध्यान इसका क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हमें कितनी बातें, चार बातें समझानी होती है, एक तो विशेषण का प्रकार, एक वचन, लिंग, और उसका विशेष्य कौन सा है, ये चार बातें इसके अंतर्गत बताई जाती है। अगला है क्रिया पदों का पद परिचय। क्रिया पदों का पद परिचय के लिए हमें पांच बातें बतानी पड़ती है विद्यार्थी, कौन कौन से, एक तो क्रिया का प्रकार, हमने चार प्रकार की क्रिया ऐसे बहुत सारी ऐसे तो तीन भेद है और उसके अंदर भी विभिन्न है, परंतु अपने यहाँ मुख्य तो तीन चार प्रकार रहते थे, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, मैंने इन क्रियाओं की जानकारी, फिर वचन, लिंग और काल, तीनों में से कौन सा है, सातवीं वाच्य के बारे में, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य, इन पांच बातों की जानकारी इसके अंतर्गत अनिवार्य हो। देखिए इसके उदाहरण, स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, देखो अब क्रिया का पद परिचय, तो कर रही हैं यहाँ पर कौन सी क्रिया है, ठीक ना। अब बताइए आपन को मालूम करना है, मैंने आपको पूर्वकालिक के लिए कहा था दो क्रियाएं संपन्न हो रही, यहाँ तो एक ही हो रही है, ठीक है ना। प्रेरणार्थक के लिए कर्ता खुद न कार्य करके किसी और से करवा रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और सकर्म क्रिया में कर्म होता है, तो यहाँ पर देखिए स्त्रियां क्या कर रही है, नृत्य कर रही है, क्या से प्रश्न बना, यानी कि क्रिया कैसी है, सकर्म क्रिया, कर रही है, कौन से काल की बात करी है, वर्तमान काल की बात कर रही है,
ठीक है ना। वाच्य बताइए, स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। अब देखो कर्तृवाच्य, ठीक है ना, यहाँ पर वाच्य, क्योंकि जो नृत्य करने की क्रिया जो संपन्न हो रही है वो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता स्त्रियों पर। या पुरुष होते तो पुरुष नृत्य कर रहे हैं, क्रिया बदला होता नहीं था, तो क्रिया किसके अनुसार बदली है, कर्ता के अनुसार, कर्तृवाच्य रहेगा। पुरुष कौन सा रहेगा, अन्य पुरुष रहेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पुरुष न लेकर क्या ले सकते हैं, वचन ले सकते हैं, बताइए कर रही हैं, है के ऊपर बिंदी है, बहुवचन का उदाहरण होगा, क्या ले सकते हैं, बहुवचन का उदाहरण ये लेते हैं। और लिंग बताइए, कर रही है स्त्रीलिंग दिए, तो इसमें ये पांच पात्र। दूसरा उदाहरण देखिए, शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, क्रिया क्या दे रखी है, पढ़वाया, बताइए कर्ता खुद कार्य न करके किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो क्रिया कौन सी हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया, पढ़वाया, काम हो चुका है भूतकाल, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, कर्म वाच्य, कैसे होगा, यहाँ आप कहोगे कि शिक्षक छात्र से पाठ, यहाँ से है तेरा कर्म, परंतु कार्य किसके द्वारा, कर्म किया जा रहा है, शिक्षक ने छात्र से क्या पढ़वाया, पाठ पढ़वाया, यहाँ क्या से प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना। आपको यह ने और से अब की बार इधर नहीं देखना है, ध्यान दे इधर, यहाँ पर पढ़वाने का कार्य यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि शिक्षक ने छात्राओं से पाठ पढ़वाया, क्या इनसे कोई प्रभाव पड़ा, नहीं, शिक्षक की जगह मैं शिक्षिका लिख देता तो भी पढ़वाया सब में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ये क्रिया किसके अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार, वाच्य कौन सा होगा, कर्म वाच्य। वचन बताइए, पढ़वाया एक वचन है, और छात्रों से पाठ पढ़वाया, पढ़वाई या पढ़वाए होते तो ठीक, वो पढ़वाया शब्द किसके अंतर्गत आता है, पुल्लिंग के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों ये किस संबंधी है, क्रिया संबंधी अपना पांचवें बात हुआ। आगे देखिए क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसके अंदर अपन को दो बातों का ध्यान रखना, एक तो क्रिया विशेषण का प्रकार लिखना है और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है वो चीज इसके अंतर्गत बतानी। देखिए ऋषि तेज दौड़ता है, बताइए क्रिया क्या है, पर दौड़ना, परंतु यहां क्रिया विशेषण पढ़ रहे, क्रिया की विशेषता क्या, तेज, तेज शब्द का अपन को क्रिया विशेषण। अब बताइए कैसे दौड़ता है, तेज, कैसे यानी कि रीति बताई जा रही है, क्रिया करने की रीति, दौड़ता है तेज, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया के साथ क्या बता रहा है, ये कैसा संबंध है, दौड़ता है क्रिया की रीति बताता है, तरीका बताता है, इसलिए यहां पर लिखना है दौड़ता है क्रिया की रीति। दूसरा उदाहरण देखिए, वह कल आएगा और यहां सोएगा, कल क्या एक है, समय के बारे में बताया जा रहा है, और समय किसमें आता है, कालवाचक क्रिया विशेषण, कब आएगा, कल आएगा, कालवाचक बताए, और आएगा क्रिया के समय को सूचित करता है, आने के समय के बारे में ये बता रहा है। यहां, यहां क्या एक स्थान है, कहां सोएगा, यहां सोएगा, यहां शब्द है वो स्थान बताता है, कौन सा क्रिया विशेषण हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होएगा, और सोएगा क्रिया का है स्थान के बारे में बताता है, इसलिए लिखते हैं सोएगा क्रिया का स्थान सूचित करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों क्रिया विशेषण के लिए अपन को दो बातें बतानी, एक तो उसका प्रकार और एक क्रिया के साथ संबंध क्या बताया जा, यह है क्रिया विशेषण का पद परिचय। आगे देखिए संबंध बोधक अव्यय पद का पद परिचय, संबंध बोधक में अपने क्या कहा था कि एक का दूसरे के साथ संबंध बताया जाए, उसके लिए अपने शब्द पढ़ा था के बाद, के ऊपर, के पीछे, आसपास, है ना, ये सब शब्द आते हैं तो संबंध बोधक होता है। उदाहरण देखिए इनमें भी दो बातों के ध्यान रखना है, कौन कौन से, एक तो कौन सा संबंध बोधक, इसमें होगा तो संबंध बोधक ही होगा और संबंध इसके साथ बताना, घर के पीछे बगीचा है, ठीक है ना, और के पीछे शब्द है ना वो घर और बगीचे के अंदर क्या बता रहा है, संबंध बता रहा, तो के पीछे शब्द क्या है, के पीछे शब्द जनरल आते ही मानो पड़ा कि ये दोनों के बीच में संबंध बताने का कार्य कर रहा है, और संबंध बताने के लिए यहाँ पर अव्यय कौन सा होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा या अविकारी शब्द होगा, और ये क्या कर रहा है, घर संज्ञा का शेष शब्दों से संबंध बता रहा है, ये घर का है ना, घर के पीछे बगीचा, तो ये घर शब्द का संबंध दूसरे शब्दों के साथ बगीचे के साथ जोड़ता है, इसलिए ये संबंध बताने का कार्य करता है। दूसरा उदाहरण देखो, सड़क के पार बगीचा है, पार यानी दूसरी ओर,
ये के पार है ना सड़क और बगीचे में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। और संबंध बताने के खातिर यहाँ पर अव्यव पद कौन सा हो गया, संबंध बोधक अव्यव होगा। बताइए ये सड़क शब्द है ना वो किसका संबंध बता रहा है, शेष शब्द यानी बगीचा शब्द के साथ संबंध बताया। तो दूसरा प्रकार क्या लिखेंगे इसमें, सड़क संज्ञा का शेष शब्दों से क्या बताता है, संबंध बताता है। तो दो बातें इसके अंतर्गत भी ध्यान रखनी चाहिए। आगे अगला है समूचे बोधक अव्यव पद का पद परिचय। समूचे बोधक हमने क्या पढ़ा था, जोड़ने का कार्य या विभाजक का कार्य, ठीक है ना। दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन अविकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं वो समूचे बोधक होते हैं। उदाहरण देखो, गुरु और शिष्य कहाँ गए हैं, बताइए गुरु और शिष्य दो शब्दों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, और शब्द वो जोड़ रहा है, ये और शब्द क्या हो गया, समूचे बोधक का अव्यय हो गया। और ये क्या कर रहा है, गुरु और शिष्य शब्दों को जोड़ता है, यहाँ शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। परंतु दूसरा उदाहरण देखिए, वे बुद्धिमान है परंतु अनुभवी नहीं, दो वाक्य है वे बुद्धिमान है और अनुभवी नहीं, ये परंतु शब्द ऐसा है जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो कौन सा अव्यय हो गया, समूचे बोधक अव्यय हो गया और दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ हमने लिखा है पहले उदाहरण में कि गुरु और शिष्य शब्दों को जोड़ता है, परंतु शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ता है, क्या करता है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य। तो दो बातें बताने आपको, एक तो समूचे बोधक अव्यय और वो शब्दों को जोड़ रहा है या वाक्यों को जोड़ा, उसके बारे में इसके अंतर्गत बताओ। आगे लास्ट इष्ट का एक है विस्मय आदि अव्यय पद का पद, ठीक है, आश्चर्यचकित। अब इसमें विस्मय आदि बोधक और क्या सूचित करता है उसके बारे में बताओ। जैसे वह कितना सुंदर चित्र है, ये वह सब देखते अपने मन में क्या खुशी होती है, सोचती है, ठीक है ना। और आपको जहाँ भी ऐसे शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह खड़ी पाई और नीचे बिंदु लिखा हुआ मिले, वहाँ पर निसंदेह कौन सा होता है, विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है। तो यहाँ विस्मय आदि बोधक है और वह कहते ही खुशी हर्ष को प्रकट करता है, तो हर्ष सूचित। दूसरा उदाहरण, अरे ये मकान कैसे गिर गया, अरे बोलते आश्चर्य होगा कैसे गिर गया ना। तो विस्मय आदि बोधक अव्यय तो है, परंतु विस्मय आदि बोधक में भी कौन सा है, आश्चर्य प्रकट होता है, तो आश्चर्य सूचित करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आठ जो विकारी और अविकारी जो पद है वो इसके अंतर्गत आते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।